ओम सूर्य देवताय नमः। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube के इस चैनल में। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि मैं इस चैनल पे आपको आयुर्वेदिक पौधों की पहचान करवाता हूँ, साथ में उनके आयुर्वेदिक गुण के बारे में भी आपको बतलाता हूँ। तो दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे चमत्कारिक आयुर्वेदिक पौधे के दर्शन कराने जा रहा हूँ जिसको आप वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं यह ब्रह्म कमल का पौधा है। यह पौधा धार्मिक और आयुर्वेद की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ये जो आप वीडियो में देख रहे हैं यह छत्तीसगढ़ राज्य के जांजगीर चांपा जिले के वार्ड नंबर 17 में ब्रह्म कमल का फूल खिला है, जिसे देखने के लिए रात भर वहाँ के पड़ोसियों का तांता लगा रहा। वार्ड नंबर 17 के रहने वाले शशिकांत राठौर का परिवार 3 साल पहले घूमने के लिए माउंट ताबू गया था और वहीं पर कुछ महात्मा ने उन्हें इसका पौधा दिया था, जिसे राठौर परिवार ने अपने घर के गमले में लगा दिया था। ब्रह्म कमल को लेकर के राठौर परिवार का कहना है कि ब्रह्म कमल का फूल 12 वर्ष में एक बार खिलता है, लेकिन वह बड़े भाग्यशाली हैं कि उन्हें उनके यहाँ यह पिछले 3 साल में यह फूल 2 बार खिला है। इससे पहले 21 अगस्त को ब्रह्म कमल का फूल खिला था और इस बार 13 जुलाई की रात को ब्रह्म कमल का फूल खिला है। पड़ोसियों को ब्रह्म कमल के फूल खिलने की जानकारी मिलते ही देखने के लिए और वहाँ पूजा करने के लिए पड़ोसियों का रात भर तांता लगा रहा और वह पहुँचते रहे और ब्रह्म कमल फूल की पूजा अर्चना कर उसके दर्शन का सिलसिला रात भर चलता रहा। और यह भी इस फूल की मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस फूल के दर्शन करता है उसे भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो दोस्तों आप भी इस वीडियो के माध्यम से ब्रह्म कमल के फूल के दर्शन कीजिए और दर्शन लाभ लीजिए। दोस्तों आयुर्वेद की दृष्टि से ब्रह्म कमल बहुत ही शानदार पौधा माना जाता है और यह भी कहा जाता है कि इसमें यह फूल अमृत के समान होता है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे वो भी इस वीडियो को देख करके ब्रह्म कमल के दर्शन कर पाएँ। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी और नए आयुर्वेदिक पौधे और उसके उपचार के साथ में। तब तक इजाज़त दीजिए। हर हर महादेव।